नमस्कार दोस्तों, फिलहाल हम आए हुए हैं पार्क स्ट्रीट और ये है क्रिसमस ईव। और क्रिसमस ईव के मौके पे ये पार्क स्ट्रीट पूरी ही जगमगा रही है, तो चलिए दिखाते हैं आपको इस पार्क स्ट्रीट का नज़ारा और ये कैसी दिखती है अभी। आज की जो ये मेरी वीडियो होगी ये मेरी एक टिपिकल ब्लॉग की तरह नहीं होगी। मैं आपको ज़्यादा जानकारी तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको पार्क स्ट्रीट का नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि कोलकाता का ये हिस्सा क्रिसमस के समय पूरी तरह से जगमगा उठता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्रिसमस के ईव के मौके पर ये कैसा लगता है, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये देख के कैसा लगा। स्ट्रीट की इस जगमगाती रात के बीच अब हम अग्रसर हो चले हैं साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री की ओर, जो कि अमूमन इस वक्त बंद रहती है, लेकिन आज क्रिसमस ईव होने के वजह से शायद वह खुली हो। तो चलिए चलते हैं वहां और देखते हैं वहां का नज़ारा कैसा दिख रहा है फिलहाल। फिलहाल हम खड़े हैं साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री के सामने, और जैसा कि हमें उम्मीद था ये फिलहाल बंद है। अगर आपको साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री में आना है तो आप दिन में कभी भी 10 से 5 के बीच यहाँ आ सकते हैं। मेरे पीछे आप फिलहाल एमपी बिरला प्लैनेटेरियम देख पा रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट ब्लॉग बनाया है, और अगर आपको तारामंडल में दिलचस्पी है तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च। यहाँ पे फिलहाल एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे दिन के समय में आते हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे 10 रुपये एंट्री फीस ली जाती है, और इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं।
क्रिसमस नाइट के इस टूर पे अब हम आ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल। इस विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आपको विक्टोरिया मेमोरियल के गार्डन और इनसाइट फुटेज को देखना है तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। के साथ मेरा कोलकाता क्रिसमस नाइट आउट का वीडियो होता है खत्म। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें, आपकी उस कमेंट को मैं जरूर चेक करूंगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।